नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जल प्रलय के साथ। दिल्ली एनसीआर बारिश से बदहाल हो गया है। गाजियाबाद में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। चंद घंटों की बारिश ने गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के दावों की पोल खोल दी है। यहां से जिलाधिकारी कार्यालय के कंपाउंड और मीडिया सेंटर पर लबालब पानी भरा देखा गया। चंद घंटों की बरसात में गाजियाबाद की सड़कें लबालब पानी से भर चुकी हैं। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद का ये डीएम कंपाउंड है और ये हमारा मीडिया सेंटर है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जो गाजियाबाद नगर निगम स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात करते हैं और जो जिला प्रशासन भी लगातार इसकी पहल करता रहता है कि स्मार्ट सिटी गाजियाबाद को बना दिया जाएगा, तो ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से गाजियाबाद का विकास हो रहा है। और अगर मैं बात करूँ गाजियाबाद ज़िले की, तो ये गाजियाबाद का डीएम कंपाउंड है, यानी जिला अधिकारी ऑफिस है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी लबालब भरा हुआ है। पानी निकलने की कोई भी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। वहीं अगर बात की जाए जब गाजियाबाद जिला अधिकारी के ऑफिस का ये हाल है, तो गाजियाबाद में और जगह का क्या हाल होगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाजियाबाद से अरुण चंद्रा, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।